वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दशहरे के दिन की जाने वाली पूजा की दिशा के बारे में। आज के दिन अपराजिता देवी की पूजा की जाती है। इसके लिए दोपहर बाद ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में जाकर साफ सुथरी भूमि पर गोबर से लीपना चाहिए और उसी जगह पर चंदन से 8 पत्तियों वाला कमल का फूल बनाना चाहिए। इस आकृति के बीच में अपराजिता देवी की पूजा करनी चाहिए, जबकि आकृति के दाहिनी ओर जया देवी की पूजा करनी चाहिए और बाईं ओर विजया देवी की पूजा करनी चाहिए। शमी पूजा की बात करें तो इसके लिए गांव के बाहर उत्तर पूर्व दिशा में शमी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से यात्राओं में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। आप चाहें तो घर के बाहर शमी का पौधा लगा भी सकते हैं, इससे नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर नहीं आ पाएगी। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा दशहरे के दिन की जाने वाली पूजा की दिशा के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा करेंगे।